आज की बात करें, गाना जो फिल्माया जा रहा है क्या है और कौन सी मूवी का बताना चाहेंगे? टशनगी फिल्म का गाना है और फिल्म गाने का नाम है नगद वाले हाय उधार वाले बाय. द सॉन्ग इज़ बिन संग बाय माय वेरी फेवरेट सिंगर पवनी पांडे, जिन्होंने गाना गाया था लैला में लैला, जो सनी लियोनी, जिसमें रईस में सनी ने परफॉर्म किया था इनके गाने पर. तो मैंने लास्ट सॉन्ग किया था आइला रे आइला अक्षय कुमार के साथ खट्टा मीठा में, तो गाना काफ़ी सुपर हिट रहा और मुझे काफ़ी सराहा गया. और उसके बाद मैंने ग्रैंड मस्ती करी, काफ़ी फिल्में करी, तमिल में भी सॉन्ग किया मंकता में, जो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही. फिल्म का नाम था मंकता और अजीत कुमार के साथ था. और उसके बाद मैंने मलयालम फिल्म करी लैला ओ लैला, जिसमें मैंने टाइटल रोल प्ले किया था लैला का, मोहनलाल के साथ था, सुपरस्टार मोहनलाल के साथ. एंड आफ्टर दैट आई डिड पंजाबी फिल्म कॉल फरार विद गिप्पी ग्रेवाल. एंड आई बिन वर्किंग अलॉट नाउ डेज एंड आई बिन शूटिंग बैक टू बैक. अभी मैं एक पंजाबी फिल्म करके आई हूँ, फिल्म का नाम है जग्गा जियोंदा है, जिसमें मैं SHO का रोल कर रही हूँ, हरलीन मान का. और अभी ये गाना कर रही हूँ, तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे लगे. और एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके प्लेटर में कितने हिट सॉन्ग्स हैं. ग्रैंड मस्ती का टाइटल सॉन्ग बहुत हिट रहा और रेन सॉन्ग भी बहुत हिट हुआ, तू भी मूड में मैं भी मूड में, फायर है बेब तेरे एटीट्यूड में काफ़ी हिट हुआ, और आइला रे भी हिट था. तो आर्टिस्ट को शोज़ करने हो तो गाने करना बहुत ज़रूरी होता है. तो मुझे पवनी पांडे का गाना करने को मिला, मुझे गाना सुपर हिट लगा, तो आई थॉट आई शुड डू इट एंड शुड वर्क मोर हार्ड एंड शो सम मूव्स ऑन द बिग स्क्रीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. किस तरह का मूड है गाने में? सी इट्स अ सिचुएशनल सॉन्ग एक्चुअली. Some situation is going on in the film and then the song starts and you can see my costume also, it's a little modern and we are like wearing Indian modern, so it's like Indo-Western kind of a feel and it's a very very dancing song, so people are going to love it. Whoever loves to dance will love the song too. And Laila Main Laila jise hit hua tha, to isme bhi kuch aisi kuch edginess hai aur gaane mein feel hai and I'm sure people are going to love it. Yeah. और मैं इस फिल्म का म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, आई एम द म्यूज़िक कंपोज़र फॉर द होल मूवी. और ये जो गाना हमारा आज शूट हो रहा है कायनात जी के साथ, ये एक आइटम सॉन्ग है. और आइटम सॉन्ग में सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने सबसे पहली बार, मेरा छोटा भाई जो हरियाणा से है, इसको मैं पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ. आप लोगों ने इतना छोटा सा मासूम सा फेस पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये इसके लिए ये गाना है, समझिए. और उम्मीद करता हूँ कि सारे हरियाणा और सारे हिंदुस्तान को हमारे ये गाना बहुत पसंद आने वाला है, और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा हिट गाना होगा आपकी दुआओं से. थैंक यू. मंजर बलियावी. आपका नाम? मंजर बलियावी. इसमें आपने क्या किया है? फिल्म का मैं स्टोरी राइटर हूँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स अपने तिश्नगी फिल्म की. नाम क्या मूवी का? तिश्नगी. तिश्नगी फिल्म का मैं स्टोरी राइटर भी हूँ और मैंने कुछ लिरिक्स भी लिखे हैं गाने में, तीन चार. एक लाइन में स्टोरी क्या है? एक लाइन में स्टोरी है कि यूथ की कहानी है जो आज के लोगों को बांध के रखेगी, और जो आज हमारे समाज में हो रहा है बस वही हमने दर्शाने की कोशिश किया है. थैंक यू.